सो हाय, दिस इज वेक एंड यू वॉचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी, फिर दोबारा से करते हैं भाई। कंपनी लॉ की सीरीज बन रही है भाई, स्पेशली जो सीरीज है वो किसके लिए है? बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स में हो और आप कंपनी लॉ कर रहे हो तो आपके लिए पूरी पूरी सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, सीए और सीएस वालों के लिए नहीं बन रही है सीरीज, ये केवल बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए बन रही है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो चालू करते हैं भाई फिलहाल। हाँ जी, अगर आप, हाँ, चालू करने से पहले, ठीक है, चालू करने से पहले बता दो भाई, अगर किसी नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर देना और नोट्स आप परचेज कर लोगे, पीडीएफ की फॉर्म में है। टेंशन मत लो, मेरी राइटिंग बहुत खराब है तो मैंने अपनी राइटिंग में नहीं लिखे, कंप्यूटर टाइपिंग राइटिंग मिलेगी आपको, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाओ अपना पूरा पूरा टॉपिक और सारे के सारे चैप्टर्स। तो शुरू कर रहा हूँ भाई, एक चैप्टर पहले ही बन चुका है, आज चलने वाला है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपीलिएट ट्रिब्यूनल। आसान है, हाँ जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीएलटी और बोलते हैं एनसीएलएटी। आसान है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, तो ये दो है जिसके बारे में हमें आज सीखना है कि ये चीजें होती क्या है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है वैसे तो, क्या बोलते हैं, जो चैप्टर है ये सीधा आता है अकाउंट, अगर अपने सीए कर रहे हो तो सीए के थर्ड ईयर जो होता है ना आपका, उसके अंदर आता है, जो सीए का थर्ड ईयर होता है कंपनी लॉ का, तो उसके अंदर आता है ये वाला चैप्टर, आपके सिलेबस में क्या बोलते हैं सेकेंड नंबर पर दे दिया है। ठीक है, और बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में इसमें से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आसान है, हाँ जी, जो कॉलेज वाले के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, भाई सीए और सीएस के हिसाब से नहीं बता रहा, तो कॉलेज वालों के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपके हिसाब से एग्जाम में ये 2 या 4 नंबर का आएगा इसमें से क्वेश्चन, और ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ये पूछ लेता है कि ये होता क्या है, यानी एनसीएलटी क्या होता क्या है या फिर एनसीएलएटी क्या होता है वो बता दो, और इनमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली बस इतना बता दो। तो बस ये स्टार्टिंग में जो मैं करवाऊंगा उसी में खत्म हो जाएगा, वो तो बाकी के जो इतने भी टॉपिक बता रखे हैं वो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए, बाकी आप देखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना आप इसी में देख के खत्म कर सकते हो, जैसे ही आपने देख लिया वैसे ही खत्म। आसान है, हाँ जी, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अभी आपके हिसाब से, तो 2 या 4 नंबर का आएगा एग्जाम में इस चैप्टर में से, बहुत आसानी से आप कर दोगे, शायद ना भी आए आपके एग्जाम में। ठीक है, वैसे एनसीएलटी की डेफिनेशन और ये उसके बारे में पूछ लेता है हल्का सा कई बार कि है क्या ये। तो चालू करते हैं, सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बता देता हूं होता क्या है, क्वासी जुडिशियल फॉर्म, क्वासी जुडिशियल फॉर्म, चलो बेसिक्स, मैं मानता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, आप फद्दू इंसान हो, तो बेसिक से डीपली से चलते देखता हूं, मतलब स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, समझिए। मैं बिल्कुल आसानी लैंग्वेज की बात करूंगा, आसानी लैंग्वेज में बात करूंगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कभी नाम सुना है कोर्ट का, अगर आप कभी कोर्ट में, मतलब कि अगर कोई केस लड़ना हो तो हम किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास। तो इंडिया के अंदर 3 तरह के कोर्ट है, पहला हमें मिलता है क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट और तीसरा क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। आसान है, हाँ जी, ये जो तीनों कोर्ट होते हैं ना, इन कोर्टों को बोला जाता है जुडिशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जुडिशियल फॉर्म। जुडिशियल फॉर्म मतलब ऐसे कोर्ट जो मान्यता प्राप्त है, अगर आपको इन कोर्टों में से किसी एक कोर्ट ने बता दिया है किसी को कि भाई, या फिर कोई केस दे दिया है, जैसे मान लो किसी की 2 की लड़ाई हो रही थी और इन तीनों में से किसी एक ने भी बोल दिया भाई ये जो है ये दोषी है और ये जो है इसको इतनी पेमेंट करेगा, तो वो उस बंदे को उसको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। आसान है, यानी कि इनकी बात जो है पूरे देश में मानी जाएगी, ये ऐसे कोर्ट है जिनकी बात पूरे देश के अंदर क्या हो जाती है, मानी जाती है, कोई भी इनके कोर्ट की जो भी ये वर्डिंग देते हैं उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकता या फिर टाल नहीं सकता। आसान है ना, हाँ जी, ऐसे कोर्ट जिनकी पूरे देश में बात मानी जाती है उसे क्या बोलते हैं? जुडिशियल फॉर्म। आसान है, हाँ जी, लेकिन सारे के सारे जो केस हैं वो ये ही थोड़ी ना अटेंड कर सकते हैं, पूरे देश में इतने सारे केस होते रहते हैं और इतने सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो सारे के सारे केस जो है वो अटेंड नहीं कर सकते ये लोग, है ना। इसके लिए इन्होंने कुछ बनाए थे क्वासी जुडिशियल फॉर्म। क्वासी जुडिशियल फॉर्म क्या होते हैं? ऐसे कोर्ट जिनकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, ये मान लो बेसिकली इनसे कम होते हैं वो लोग, लेकिन अपने अपनी फील्ड के यानी कि टॉपिक जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं। आसान है, हर एक चीज के, मतलब कि हर एक टॉपिक के लिए उन्होंने अलग अलग क्या रखते हैं, हर एक स्टेट के अंदर छोटे छोटे कोर्ट बना रखे थे। आसान है, उनको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करी जाए, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड जिसे बोलते हैं सीएलबी, है ना, जैसे कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकॉग्निशन। आसान है, हाँ जी, BIFR, हाँ जी, अपीलिएट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसको AA के नाम से जानते हैं, अपीलिएट अथॉरिटी, हाँ जी। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं क्वासी जुडिशियल फॉर्म, मतलब बेसिकली इतना समझो, इन कोर्ट की, ये जो भाईयर कोर्ट होते हैं, इन कोर्ट की हेल्प करने के लिए जो छोटे छोटे कोर्ट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ये
आसान है, जिन्हें क्या बोलते हैं क्वासी जुडिशियल फॉर्म। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में, ठीक है। तो बस इतना समझा रहा हूँ कि इन कोर्ट्स की हेल्प करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ये छोटे से कोर्ट बनाए जाते हैं। अब हर एक कोर्ट में, हर एक एरिया में छोटे छोटे कोर्ट बनाएंगे तो हर एक चीज़ों के लिए, जैसे कंपनी के लिए अलग कोर्ट, फर्म्स के लिए अलग कोर्ट, कोई क्या बोलते हैं शादी ब्याह की प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए अलग कोर्ट, रिलेशनशिप के लिए अलग कोर्ट, है ना भाई। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्ट में बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े रहते थे, बहुत सारा झमेला होता था। तो हमने क्या सोचा, इन सब की जगह एक चलते एक ऐसा कोर्ट बनाया जाए जो इन सब की जगह ले सकता है। आसान है, तो हमने सोचा इन सब को हटा के हम एक कोर्ट बना देंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, एनसीएलटी। क्या नाम रखा जाएगा, एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब वही जो आपका चैप्टर का नाम है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आसान है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या था, एक ऐसा क्वासी जुडिशियल फॉर्म था जो कि इन सारे कोर्टों की जगह आया था। आसान है, हाँ जी। और क्या बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से थोड़ा सा ऊपर होता है अपीलिएट ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर कोई क्या बोलते हैं इसने केस, मतलब आपने केस किया कोई और नेशनल क्या बोलते हैं एनसीएलटी में गए और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया या फिर आप सहमत नहीं हो जो भी इसका निर्णय आया, तो आप दोबारा से जाके किस में केस कर सकते हो, एनसीएलएटी में। जैसे होता है ना, अगर आपने मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लड़ा और आपने सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आपको, तो आप जाके हाई कोर्ट में कर सकते हो अपील। हाई कोर्ट में से जो क्या होता है उन्होंने वो दी वर्डिंग दी और उससे आप सेटिस्फाई नहीं करते तो आप किस में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी है, एनसीएलटी में आपने केस लड़ा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप किसके अंदर जा सकते हो भाई, NCLAT के अंदर जा सकते हो। आसान है, हाँ जी, जिसे बोलते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल, शुक्र है, हाँ जी। अच्छा, ये कब बनाया गया था, ये 1 जून 2016 में बनाया गया था। और इसके मेंबर कौन होते हैं, मैं NCLT और NCLAT की बात कर रहा हूँ, दोनों बेसिकली सिमिलर होते हैं, बस ये जो NCLAT है थोड़ा सा हाइयर होता है। आसान है, और ये बेसिकली जो बनाए गए थे वो किसके लिए बनाए गए थे, ये कंपनीज के बनाए गए थे, यानी कंपनी के जितने भी केस होंगे, जो कंपनीज के जितने भी केस होंगे 2013 एक्ट के हिसाब से, उनको सॉल्व करने का काम कौन करेगा, एनसीएलटी और एनसीएलएटी का काम होगा, ठीक है। तो कंपनीज के केस ये लोग नहीं हायर लेंगे, अब से कौन लेगा, एनसीएलटी और एनसीएलएटी लेंगे। आगे चलते हैं, 1 जून 2016 को बनाया गया था। अच्छा, इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट मतलब देश का प्रेसिडेंट नहीं, कि देश का प्रेसिडेंट इसका प्रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं जी। इस क्या होता है, ये जो कोर्ट एनसीएलटी बनाया गया है, कोर्ट बनाया गया है एक तरीके से, हाँ जी, इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और बाकी क्या होंगे, टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर होंगे। आसान है, हाँ जी, एक तो प्रेसिडेंट होगा जो इसका मालिक बनेगा, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं रिटायर्ड, उस मतलब इसके अंदर ना जो एक तो देखो ये जज होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्वालिफाइड जज होते हैं। आसान है, अगर इनकी पोस्टों पे से कुछ जज ऐसे होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट का कोई जज है और वो रिटायर हो चुका है, तो वो आराम से इसके अंदर भी काम कर सकता है, यानी कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी का क्या बन सकता है, वो जज बन सकता है। तो प्रेसिडेंट होगा और टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर होंगे, जो लगभग 11 होते हैं। टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर कितने होते हैं, लगभग 11 होते हैं, और एक उनका प्रेसिडेंट होता है। आसान है, जो कि कितने मेंबर हो गए, लगभग 12 मेंबर के आसपास हो गए एनसीएलटी और एनसीएलटीएलएटी में। आसान भाई, हाँ जी, श्योर थे। सिंगल विंडो फॉर सेटलमेंट, अब ये क्या बनाया गया था, सिंगल विंडो, ये इसकी फीचर क्या है एनसीएलटी और एनसीएलटी की, कि ये क्या था, सिंगल विंडो था। सिंगल विंडो जैसे कि अगर आपको अलग अलग केस लड़ने तो आप अलग अलग उसके अंदर जाते थे फॉर्म के अंदर, है ना, हाँ जी, अलग अलग फॉर्मों के अंदर जाना पड़ता था, अलग अलग बोर्ड्स के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, सारी की सारी चीजें हटा के केवल एक बना दिया एनसीएलटी। तो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आप केवल एक ही जगह पे जा सकते हो, तो सिंगल विंडो बन गई आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है भाई, हाँ जी। तो बात आती है एनसीएलटी और एनसीएलएटी में डिफरेंस क्या है, तो पहली चीज कलेक्ट फैक्ट्स, जो एनसीएलटी होता है ना ये थोड़ा छोटे लेवल पे होता है, तो ये फैक्ट्स कलेक्ट करता है, जितने भी तथ्य होते हैं उनको एकत्रित करता है, और जो एनसीएलएटी होता है ये क्या करता है, एनालाइज करता है उन फैक्ट्स को, ये एनालाइज करता है, मतलब थोड़े ब्रेन लेवल पे होता है तो एनालाइज का काम उसको दे दिया। उसके बाद सबसे पहले अगर आपको अपील करनी हो तो आप किसके अंदर करोगे अपील, एनसीएलटी के अंदर करोगे, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज किसकी होती है, एनसीएलटी की होती है, बाद में 45 दिनों के बाद तो आप किसके अंदर अपील कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो किसके अंदर, एनसीएलटी के अंदर। कितने दिन का टाइम होता है आपके पास, लिखवा था मैंने कहीं पे भाई, आगे पढ़ेंगे, 45 दिनों का टाइम होता है आपके पास, तो 45 दिन बाद आप अपील कर सकते हो उसके अंदर, है ना, हाँ जी। तो इसके अंदर पहला स्टेज होता है, और ये क्या होता है, होल्ड अपीलेट, यानी कि ये क्या होता है, जितनी भी अपील होती है जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाती या फिर यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं करी जाती, वो सारी जो रुकी हुई अपीलेट होती है उनको क्या करता है, सॉल्व करने का काम कौन करता है, एनसीएलटी। आसान है, बस इतना सा फंक्शन था। आप सॉरी, 2 या 4 नंबर का आता है,
इतना बहुत है भाई, आप इतना लिख के आ सकते हो, आपके बहुत पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, आसान है ना। हाँ जी, बाकी जो है थोड़ी सी चीजें मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना बड़ा नहीं आएगा टॉपिक, क्योंकि आपके जो सिलेबस में आएगा बहुत आसान आएगा, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं भाई। सेक्शन 409 से 413 तक, कहां से 409 से और 413 तक आपको बता रखा है मेंबर्स के बारे में, यानी कि ये जो मेंबर्स मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट होगा, तो वो बता रखा है कि प्रेसिडेंट कहां से चुना जाता है, किस तरीके से चुना जाता है। ऐसे ही टेक्निकल मेंबर और जुडिशियल जो मेंबर है वही बता रखे हैं आपको किस तरीके से चुना जाएगा और कहां कहां से चुने जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर पर्सन हो वो भी चुना जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर पर्सन हो वो भी चुना जाएगा, मगर यह कि उसको 5 साल हो गए हों कि काम करते हुए, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको इसके अंदर बता रखी है, सेक्शन मतलब 409 से 413 के अंदर। आगे चलते हैं, एडवांटेज। एडवांटेज यानी कि ये जो हमने कोर्ट बनाया छोटा सा अलग से, इससे फायदे क्या हुए? तो पहला फायदा भाई, ओनली फॉर कॉर्पोरेट, यानी कि ये जो कोर्ट बना ये केवल किसके लिए बना? कॉर्पोरेट के लिए, यानी जितनी भी कंपनी के केस होंगे वो सारे के सारे कौन लड़ेगा? ये लड़ेगा। इसी वजह से क्या हो गया? स्पीडी, यानी काम क्या हो गया? बहुत तेजी से होने लग गया, आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस। और इसी क्या होगी, हर शहर के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस खोल दी गई, जैसे अभी फिलहाल इंडिया के अंदर 11 ब्रांचेस है, क्या बोलते हैं, एनसीएलटी की, जो कि दिल्ली के अंदर ही 2 है। अच्छा, आपके टॉपिक में नहीं है, छोटो यार, बस मेन इतना है, 2 से 4 नंबर का जो आएगा आपको वो करना है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। बात आती है पावर और पावर टू पनिश, यानी कि पनिश करने की पावर, यानी कि ये जो एनसीएलटी है ये कितना पनिशमेंट दे सकता है। जैसे मान लो 2 कंपनीज में लड़ाई हो गई और हमको देना है पनिशमेंट किसी को, तो फिर क्या क्या पावर रखती है एनसीएलटी, इसके पास क्या पावर है कोई? इनके पास, हाँ जी, पावर है। पावर कैसी है? जैसे ये है ना भाई, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है, देखो वही लिखा हुआ है, सेम एज कंटेंट, कहाँ गया? हाँ जी, सेम एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो कोर्ट एक्ट के हिसाब से, यानी जो हाई कोर्ट की पावर होती है, जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर होती है, सेम वैसी पावर किसके पास होती है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास। और ये कौन कह रहा है? ये सेक्शन नंबर 425 कह रहा है, यानी 425 कह रहा है। आगे चले, हाँ जी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे भाई। हाँ, 426 क्या कह रहा है? डेलीगेट, क्या ये अपनी 426 सेक्शन क्या कहता है? 426 सेक्शन कहता है क्या ये जो कोर्ट है अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है? हाँ जी, कोर्ट जो है मतलब एनसीएलटी जो है ये अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, जिस भी इंसान को चाहता है, और जो भी मतलब एनसीएलटी जो सकता है बोल सकता है भाई ये जो इंसान है ये इंस्पेक्टर है जो आपकी सारी सारी इंस्पेक्शन करेगा और जो भी आपका केस होगा उसको सॉल्व करने का मैं हेल्प करेगा, तो ये डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर किसी को भी जिसको ये चाहिए, आसान है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है, मेन तो आपको ये याद करना है ताकि आपका सारा काम हो पाए, ठीक है भाई। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आता है कि ट्रिब्यूनल में केस कैसे होता है, केस कैसे फाइल होगा, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कैसे करोगे। हाँ जी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बींग हर्ड, यानी कि सुनिए ध्यान से, आपने कोई केस फाइल किया किसके अंदर? लॉ के अंदर, मतलब कि कोर्ट के अंदर, एनसीएलटी के अंदर, और आपको पता चला कि क्या बोलते हैं कहीं पे ना कोई गलती हो गई है, क्या हो गई है थोड़ी सी, कहीं पे कोई गलती हो गई है। सेक्शन 420 के हिसाब से आपने कोई केस फाइल किया और आपको पता चला कहीं पे कोई गलती हो गई है, तो अपील इन एनसीएलटी 2 ईयर्स, आपको वो गलती के लिए अपील करना पड़ेगा कहाँ पे? एनसीएलटी के अंदर। कितने साल में? 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर आपको केस के लिए मतलब जो गलती हुई, जैसे आपने अमाउंट 2 लाख लिखना था, कहीं पे आपने 20,000 लिख दिया, तो इस वजह से कोर्ट में कहीं पे गलती हो गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको अपील करना पड़ेगा 2 साल के अंदर, आपको दिखाना पड़ेगा जो हम केस लड़ने जा रहे हैं उसका अमाउंट 2 लाख नहीं है, 20,000 है, आसान है। हाँ जी, तो इस तरीके से ताकि वो गलती का कैसे रेक्टिफाई किया जा सके, उस गलती को सुधारा जा सके, आसान है। हाँ जी, अगर मान लो जैसे कई बार मैंने बताया ना एनसीएलटी, अगर मान लो आप इससे अच्छा नहीं लगता आपको कि ये जो केस है कि ये लड़े, तो आप चाहो तो किस पे केस भेज सकते हो? एनसीएलटी के अंदर भेज सकते हो, 45 दिन का आपको टाइम मिलता है। अगर वो केस जा चुका है किसके पास? एनसीएलटी के पास, तो क्या आप तभी भी उस गलती को सुधार सकते हो? नहीं जी, तब आप उसको अपील मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते, तब गलती आपकी ठीक नहीं हो सकती अगर कोर्ट मतलब जो केस है वो कहां पे चला गया? एनसीएलटी के पास हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, जो आपकी मतलब जो आपने गलती कर रखी है वही आपको चलनी पड़ेगी, और उसी के हिसाब से आपको जो कॉपी है वो आपको सेंड करनी पड़ेगी, किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए, एनसीएलटी के पास। हाँ, गलती के लिए आप अपील नहीं कर सकते वहाँ पे, अपील कर सकते हो कहाँ पे? केवल एनसीएलटी के अंदर। बस ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए, बस ये समझिए। बाकी आगे चलते हैं, सेक्शन 421 से लेके सेक्शन 423 तक आपको बता रखा है अपील कैसे करना है, यानी किस किस टाइम पीरियड के अंदर आप अपील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने मान लेते हैं एनसीएलटी के अंदर अपील किया, यानी मान लो एक कोर्ट में आपने अपील की, मेरे को ये क्या बोलते हैं इससे थोड़ी सी दुश्मनी है मेरी इस कंपनी से, और मैं अपील करना चाहता हूँ, ये केस लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अगर कोई केस भेजते हो इस बोर्ड के पास, एनसीएलटी बोर्ड के पास,
तो सेक्शन 421 कहता है कि आप इस केस को 45 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, अगले केस में भेज सकते हो, यानी कि एनसीएलटी के पास भेज सकते हो, जैसे आपने इसके पास भेजा। हाँ जी, वैसे सेक्शन 422, पहले ये पढ़ लेते भाई, समझिए, आपने कोई केस भेजा किसके पास, एनसीएलटी के पास, तो सेक्शन 422 कहता है कि इसको यानी कि एनसीएलटी को 3 महीने का टाइम दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो 90 दिन, कई बार केस दिनों के हिसाब से भी चलते हैं ना, जैसे उसने वर्डिंग दे रखी हो, तो 90 दिन से लेकर 3 महीने तक का टाइम दिया जाता है कि आपको वो केस करने करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है इसके ऊपर कि 90 दिन ही करने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीके से रिक्वेस्ट होती है कि भाई हाँ कि ये क्या करेगा, 90 दिन के अंदर सॉल्व कर देगा केस, आसान है। हाँ जी, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इससे कम भी टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर कैसा केस है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो केस है वो 90 दिन के अंदर, इनको बोला जाता है कि 90 दिन के अंदर केस सॉल्व कर दो, कोई ऐसा नहीं है कि प्रेशर दिया जाएगा इन पर, ठीक है। हाँ जी, एनसीएलटी के अंदर जितने भी केस है वो जल्दी जल्दी होते हैं सॉल्व, तो 90 दिन के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर उस केस को सॉल्व किया जाएगा, आसान। हाँ जी, लेकिन अगर मान लो आप उससे ना खुश हो, आपको पसंद नहीं आया, तो सेक्शन 421 कहता है कि आप कहां पे केस कर सकते हो, एनसीएलटी में केस कर सकते हो, मगर कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। हाँ, 45 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल सकते हैं, आप 45 दिन और रुक सकते हो, यानी 90 दिन भी रुक सकते हो, लेकिन आपको सफिशियंट कॉज बताना पड़ेगा, आपको कारण देना पड़ेगा कि आपने इतना लेट क्यों किया केस करने में, आसान है। हाँ जी, तो बेसिकली आप 90 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो एनसीएलटी के अंदर, अगर आपको इसकी क्या बोलते हैं जो वर्डिंग है वो पसंद नहीं आई, या फिर जो इनका सुझाव था वो पसंद नहीं आया, सिंपल था भाई। हाँ जी, फिर इनको इनको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 महीने, वही 90 दिन का टाइम देंगे, 90 दिन के अंदर इनको वो केस क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। हाँ, और 423 सेक्शन क्या करता है, अगर आपको इनकी वर्डिंग पसंद नहीं आई तो आज जा सकते हो किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, मैंने बताया था ना भाई। हाँ जी, इन दोनों की जगह क्या ले आए थे हम, वो ले आए थे एनसीएलटी, तो एनसीएलटी इनका ही लगभग काम करता है जो छोटे मोटे काम होते हैं, तो अगर आप इनकी वर्डिंग पसंद नहीं आई या फिर आपको इनके केस जो वो था सुझाव था वो पसंद नहीं आया, तो आप जा सकते हो किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। हाँ जी, वो भी कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर अपील करना पड़ेगा, ये कौन कह रहा है, सेक्शन 423 कह रहा है आपको 60 दिन के अंदर अपील करना पड़ेगा। हाँ, आप 60 दिन एक्स्ट्रा दे ले सकते हो, आप 60 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन आपको फिर दोबारा से क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों लेट हो गए, आसान है, उसका कारण देना पड़ेगा। तो समझिए भाई, सेक्शन 422 क्या कहता है, सेक्शन 422 कहता है एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। और सेक्शन 421 क्या कहता है कि 45 दिन के अंदर आप यहाँ पे केस कर सकते हो, हाँ 45 दिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्या बोलते हैं किसी भी आपको केस बताना पड़ेगा कि आपने क्यों लेट किया। यहाँ पे आप 60 दिन, सेक्शन 423 क्या कह रहा है, सेक्शन 423 कह रहा है कि आप 60 दिन ले सकते हो अगले केस में जाने, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, और आपको 60 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो कोई केस बताने के बाद, कोई रीजन बताने के बाद, आसान भाई। हाँ जी, तो सेक्शन 421 से लेके 423 तक आपका खत्म हो गया भाई। बात क्या है ना, बुक के अंदर ये सब जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा वैसे दे रखे हैं, मतलब कि पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखे हैं, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इस वजह से मैंने डायग्राम से समझा दिया ताकि आपके लिए आसानी रहेगी और मेरे लिए भी आसानी रहेगी, बार बार मिटोना नहीं पड़ेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वरना दो वीडियो बन जाती, दो क्लिप बन जाती, ये पूरा भर जाता। ये तो इतनी जल्दी हो गया आपको समझाने के लिए, आशा करता हूँ भाई मेहनत कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता देना भैया आपके जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई जो जो मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि आपके लिए इतना बहुत है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि क्या बोलते हैं थोड़ा बता ही देता हूं, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि क्या था सी ए उसके अंदर, सी आपकी तो पहुंची भी नहीं होगी अभी तक, अभी तो क्या बोलते हैं कॉलेज में आप। हाँ जी, तो आपको याद आ जाएगा कि हल्का फुल्का क्या था, आप बना के कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, बात आता है कंसेप्ट नो अपील, क्या नो अपील, आप अपील नहीं कर सकते क्या, अगर आपके जो वो हैं क्या नाम है भूल गया, अगर आप क्या बोलते हैं उसके अलावा जाना चाहते हो, जैसे कि अगर आपके कंपनीज एक्ट के अलावा कोई और अदर एक्ट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या बोलते शादीवादी का झमेला लेने के जाना चाहते हो इसके अंदर, तो उन सब चीज़ों के लिए अपील नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल अपील जो होगी वो किसके लिए होगी भाई, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, या फिर जो उसके पहले कंपनियां बनी है उन एक्टों के हिसाब से, यानी कंपनीज की यहाँ पे क्या होते हैं केस लिए जाते हैं। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, खत्म करते हैं फटाफट से। भाई देखा अभी फटाफट से लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए, तो क्लिप काट के दोबारा ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, बात आती है प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है उसका वो समझते हैं कि एनसीएलटी और एनसीएलटी का की पावर क्या है, किस तरीके से काम करती है, समझिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, मतलब सिविल प्रोसीजर जो कोर्ट है, मतलब जो नियम है उनके, किसके 1908 सिविल प्रोसीजर के जितने भी नियम है वो बाउंड ही नहीं करेंगे किसको, इनको, मतलब कि क्या नाम है एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों को बाउंड नहीं करेंगे, आसान है। हाँ जी, पहली चीज़,
एनसीएलटी जो है ना ये अलग से ही क्या है, क्वासी जुडिशियल फॉर्म है, यानी कि इसके जितने भी नियम कानून बनाने होंगे ये खुद बनाएगी, कभी भी नियम कानून इनके जितने भी नियम कानून बने हुए वो इन पे नहीं थोपे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो लॉ क्या बोलते हैं प्रोसीजर बना रखा है वो इनके ऊपर थोप दिया जाएगा कि इन्होंने जो लॉ प्रोसीजर बनाया है वो ये भी फॉलो करें, नहीं जी ऐसा कभी नहीं होगा। इनको खुद के ही नियम कानून बनाने पड़ेंगे और खुद ही चालू करेंगे, मतलब खुद ही से केस लड़ेंगे, ऐसा ना। हाँ जी, यानी कि लोगों को अपने तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, ये कभी बाउंड नहीं होंगे उनके हिसाब से। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई एनसीएलटी लोकल कोर्ट, यानी कि एनसीएलटी का जो जितने भी, अच्छा लोकल कोर्ट की बात क्या है, एनसीएलटी जो होती है ना ये अलग से ही क्वासी होती है, मतलब कि क्वासी जुडिशियल फॉर्म है, यानी कि इसकी अलग से जैसे इनकी वैल्यू होती है ना वैसे इसकी वर्डिंग की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्या है इसकी वर्डिंग की वैल्यू हो सकती है, वो कब, जब ये किसके पास जाएगी लोकल कोर्ट के पास, यानी कि जो इसकी वर्डिंग की वैल्यू है वो किसके बराबर है, लोकल कोर्ट के बराबर है, आसान है। और इसकी वर्डिंग की वैल्यू कब हो जाएगी, जब एनसीएलटी और एनसीएलटी डीम्ड करवा लेगी टू बी कोर्ट, यानी कि क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं एफिडेविट आता है या फिर एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है आप स्टेपलर मतलब कि उसके साथ लगा लगे तो उसकी क्या बोलते हैं वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि कोर्ट ने वर्डिंग दे रखी हो वैसे ही इसकी वर्डिंग की भी वैल्यू मानी जाएगी, आसान है। लोकल कोर्ट से मिल जाता है आपको वो जो मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है एफिडेविट है वो आपको लोकल कोर्ट से मिल जाएगा, वो एफिडेविट लगा देना है तो जो इन्होंने वर्डिंग दे रखी है उसी की वर्डिंग की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, माना जाएगा कि भाई हाँ ये जो है वो किसने दे रखी है, जुडिशियल फॉर्म ने दे रखी है, किसी ने वर्डिंग दे रखी है जो भी इन्होंने वर्डिंग दी है, आसान भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सेक्शन 435 से आता है भाई सेक्शन 446 तक। अब सेक्शन 435 से लेके सेक्शन 446 तक ना केवल स्पेशल कोर्ट है उसके प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, स्पेशल कोर्ट के प्रोविजन के बारे में बताया गया कि जो स्पेशल कोर्ट ये बनाया गया है इसके प्रोविजन क्या है, क्या क्या बातें इसको माननी पड़ेगी, क्या क्या बातें नहीं माननी पड़ेंगी, आसान है, जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रखता नहीं है अगर आप सीए या फिर सीएस कर रहे होते तो फिर वहां पे आपका काम आएगा ज्यादा, अभी फिलहाल उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ जी, अगला आता है ट्रांसफर ऑफ सर्ट इन पेंडिंग प्रोसीजर, जितने भी पेंडिंग प्रोसीजर है वो सेक्शन 434 के हिसाब से जितने भी पेंडिंग प्रोसीजर होते हैं किसके, इनके, यानी कि क्या होते हैं ये भाई बताया था कंपनी लॉ बोर्ड के हिसाब से या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है और हाई कोर्ट जो है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है इन सब के मतलब कि इन सब के जितने भी पेंडिंग प्रोसीजर होते हैं वो सारे के सारे किसको दे दिए जाएंगे, ट्रिब्यूनल को दे दिए जाएंगे, ट्रिब्यूनल कौन है यही भाई एनसीएलटी, आसान। हाँ जी, जैसे कि अरेंजमेंट का, वाइंडिंग अप का, कंपनी का स्टार्टअप करने का, कंपनी को हटाने का, ये जितने भी केस होते हैं वो सारे के सारे केस किसको दे दिए जाएंगे, ट्रिब्यूनल को दे दिए जाएंगे, एनसीएलटी को दे दिए जाएंगे, आसान है। बस ये छोटा सा था जिसको लिखा हुआ था सेक्शन 430 के हिसाब से, 34 से मतलब ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि इनके सारे किसी के कौन ले लेगा, एनसीएलटी लेगा, तो सेक्शन 434 कहता है कि क्या बोलते हैं जितने भी केस होंगे इन सब के वो कौन ले लेगा, ट्रिब्यूनल ले लेगा कंपनी लॉ से रिलेटेड वाले, आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आज यहाँ पे खत्म होता है आपका छोटा सा चैप्टर, तो आज के लिए वस्तु नहीं मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और नहीं एक सेकंड आराम से भाई क्या होता है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सर क्या होते हैं सच बता रहा हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना दिल से कलेजे से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से थैंक यू भाई, और क्या होते हैं जिसने नहीं किया कर दो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं आराम तो कर दियो बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आज के लिए वैसे नहीं मिलते कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।